नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में चुनावी रैली करके पंजाब में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन तेज बरसात की वजह से उनकी रैली अभी रद्द कर दी गई है। वो प्रदेश को कई सौगात देने वाले थे, इनमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और कपूरथला होशियारपुर में दो नए मेडिकल कॉलेज शामिल थे। वहीं भाजपा के प्रधान जेपी नड्डा ने भी कहा है कि ये काफी दुख की बात है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए पीएम मोदी का जो दौरा है वो बाधित हो गया। वहीं राज्य पुलिस को लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने इस दौरान फोन पर बात करने से या फिर इस मसले को हल करने से इनकार कर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक भी सामने आई है। दरअसल शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था तो वहां पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसे रहे। ये पीएम मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है।